6 LPA स्टार्ट किया बीइंग अ नॉन सीएस स्टूडेंट, ऑल्दो एन आईटीसी थी फिर भी 6 LPA स्टार्ट किया. मुझे लगता था 15-20 मतलब बहुत बड़ी बात है, उससे ज्यादा तो वैसे भी हो भी नहीं पाएगा इतना एक्सपीरियंस. यार मैंने तो बल्कि बहुत लेट भी स्टार्ट किया था, आजकल के बच्चे तो फर्स्ट ईयर से ही लग जाते हैं. मैंने तो थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में जो छुट्टियाँ होती है उसमें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था. मुझे केवल ब्रांड के पीछे नहीं भागना था, मुझे टोटल देखना था, अपना पूरा ओवरऑल ग्रोथ देखनी थी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैसा है, अपने आप आएगा, आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो. हाय गाइस, मैं शाम चार. सो आज की वीडियो में हमारे साथ है कीर्ति परसवानी. उन्होंने रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज से उनको ऑफर्स मिल गए. ठीक है, इसमें कंपनीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, अमेजॉन, एटलाशियन है एंड फाइनली शी इज करेंटली वर्किंग एज एन SDE2 एट एटलाशियन. तो पूरी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं. शी स्टार्टेड एट 6 LPA 4 साल पहले एंड करेंटली अभी इनका जो CTC है वो 1 CR से ज्यादा जा चुका है. तो CTC है, पहले CTC के बारे में बात करेंगे आगे बढ़ के, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तुम कि 1 साल में इतने सारे पैसे. तो पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे. हाय गाइस, थैंक यू निशांत आने के लिए. वैसे मैं आपके चैनल पे बहुत बार आई हूँ बट यहाँ वहाँ क्लिप्स में एक डेडिकेटेड वीडियो, ये पहला वीडियो है हम दोनों का साथ में. तो मेरे चैनल पे जो पहला मॉक कोडिंग इंटरव्यू है वो निशांत का ही है, तो हो सकता है कि बहुत सारी ऑडियंस ने ऑलरेडी वो देखा हुआ हो. बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं कीर्ति परसवानी, मैं कुछ 1-2 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, पढ़ाती हूँ ज्यादातर. डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गो से स्टार्ट किया था, अब थोड़ा सिस्टम डिजाइन भी पढ़ाने लग गई हूँ. LLD HLD का अभी आगे बहुत सारा प्लान है, आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक सर, वीडियो वगैरह स्टार्ट करने से पहले यार दूसरा चैनल स्टार्ट किया है कोड इन 10 एंड वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं पढ़ाई रिलेटेड. ठीक है, ट्यूटोरियल्स होंगे इन 10 मिनट्स. अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन वगैरह सब दबा देना. ठीक है, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मतलब मोस्टली लोग जानते होंगे कि इतनी भी ऐसा नहीं है, वो बस संभल बन रही है थोड़ी. ठीक है, अब पहले इनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाइक शी स्टार्टेड एट 6 LPA, तो उस 6 LPA टू 1 CR प्लस वाली जर्नी क्या थी, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? 6 LPA से स्टार्ट किया बीइंग अ नॉन सीएस स्टूडेंट, ऑल्दो एन आईटीसी थी फिर भी 6 LPA से स्टार्ट किया. फिर स्टार्टअप ज्वाइन किया कि सीखना है बहुत कुछ. स्टार्टअप में भी सैलरी इतनी नहीं थी, समझ लो 7-7.5 मान लो कम, एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो 6 से भी कम थे. फिर मेरा इंट्रोइट में हुआ, इंट्रोइट में डायरेक्टली 2x 2.5x का जंप था, फिर मतलब वहाँ से तो रुकी नहीं टाइप का. तो सीखने बहुत कुछ मिला है बट मोर देन डैट मैंने अपने स्किल सेट पे ज़्यादा ध्यान दिया है मोर देन मनी. मनी तो ऐसे होता गया बट मेरे को ऐसे सॉर्ट ऑफ वो था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लड़कियाँ भी नहीं है इस फील्ड में और थोड़ा डाउट था बट मुझे बहुत मज़ा आता था करने में. तो बहुत मेहनत करके हो गया, मनी साइड में होता गया बस. मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा एम था कि हाँ इतनी सैलरी तो मिनिमम होनी चाहिए, मैंने इतनी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी. मुझे लगता था 15-20 मतलब बहुत बड़ी बात है, उससे ज्यादा तो वैसे भी हो भी नहीं पाएगा इतना एक्सपीरियंस. काफी सही, काफी सही. सो कीर्ति को ना ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस, अभी 5 कंप्लीट हो जाएंगे कुछ महीने में, एक या डेढ़ महीने के आसपास में, 1-8 महीने में, राइट? सो इतने एक्सपीरियंस के बाद तुम देख सकते हो इतनी सैलरी है. वो 1 CTC का थोड़ा सा बताओगे कि वो CTC एग्जैक्टली है क्या? वैसे जो कंपनीज होती है वो ना 4 साल के स्टॉक्स मिला के बोलती है, बट आप अगर डिवाइडेड बाय 4 करके 1 साल का CTC निकालो तो वो वैल्यू एकदम अलग होती है. और अगर आप CTC 1 ईयर अलग से बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, और 4 साल के स्टॉक्स मिला के अलग से बोलना चाहिए. तो हाँ, 4 साल का मिला के तो 1 CR क्रॉस हो ही जाता है. मतलब यूजुअली अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो हो जाता है 1 CR क्रॉस. ऐसे अगर देखें तो हाँ, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है सैलरी. तो वो 6 LPA से अब मतलब LPA नहीं बोलेंगे 1 CR को, वो टोटल कॉम्पनसेशन है 1 CR प्लस. तो ये चीज समझ लेना कि CTC में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तुम्हारी बेस सैलरी होती है, तुम्हारे जॉइनिंग बोनस होता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस बोनस होता है, फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है. इस पे अलग से वीडियो बना रखे, देख लेना, समझ जाओगे पूरी डिटेल्स. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो है कि कीर्ति एक नॉन सीएस बैकग्राउंड से है, वो EEE पढ़ी हुई थी उन्होंने NIT से. तो उन्होंने जो भी प्रोग्रामिंग करी है, सब कुछ करा है, वो खुद ही करा है अपने आप पढ़ के. तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि लाइक कैसे स्टार्ट किया था, क्या पूरी जर्नी रही आपकी? बुक योर फ्री ट्रायल नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन.
ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम cryo.do. अब cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, तुम प्रोजेक्ट्स करने से नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख रहे होते हो। अब यार क्रायो वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैक एंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6 to 40 lakh rupees। यार विद 3,000+ लर्नर्स एंड 500+ ग्रेड्स प्लेस्ड इन ग्लोबल MNCs, यूनिकॉर्न्स एंड हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स लाइक Amazon, ग्रो, क्रेड, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, क्रायो के जो ग्रेड्स हैं उनको यार एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज। क्रायो में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो, ठीक है। अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे, चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है, तुम एक अच्छे स्टार्टअप में एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। यार यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 10% ऑफ, उसके साथ कुछ फ्रीबीज वगैरह भी है वो तुम्हें सारे मिल रहे होंगे, ठीक है, वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जाके जरूर रजिस्टर कर देना, ठीक है, बस तुम्हें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। यार मैंने तो बल्कि बहुत लेट भी स्टार्ट किया था, आजकल के बच्चे तो फर्स्ट ईयर से ही लग जाते हैं, मैंने तो थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में जो छुट्टियां होती है उसमें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। बट मैंने तब से काफ़ी मेहनत की क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था, मेन बात मेरे लिए यही थी कि मुझे DSA के क्वेश्चंस करने मज़ा आता था, मुझे ऐसे पजल टाइप का लगता था तो मैं लगी रहती थी कि हाँ मज़ा आ रहा है। और अभी भी मतलब मैं जब DSA पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ा रहा है, मतलब मैं खुद से पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो आई हैव एन्जॉयड द प्रोसेस। उसके साथ डेवलपमेंट जो मेरे लिए मेन रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे डीबगिंग भी नहीं आती थी कि डीबग कैसे करते हैं या ओके विंडोज़ पे कैसे डीबग होगी और लिनक्स पे कैसे डीबग होगी। तो मैंने अलग अलग चीज़ों पे काम किया, माइक्रो सर्विसेज, मैंने सब कुछ छोड़ के एक स्टार्टअप ज्वाइन किया जहाँ पे मैंने एकदम न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया जो मैंने कभी पहले सुनी भी नहीं थी। तो एक मेजर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है वो एक एटीट्यूड होता है कि आप गूगल करके आप कुछ नया कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सब कुछ तो देखो आता नहीं है, किसी को भी नहीं आता। तो जो मेन स्किल होती है कि एक होता है कि गूगल करना और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि यार हो ही जाएगा, जब कोई XYZ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बस गूगल करना आना चाहिए। तो मैंने वो एटीट्यूड डेवलप किया कि मुझे भले ही कुछ नहीं आता हो, मैं सर्च कर करके सब कुछ कर सकती हूँ, तो उसी से ग्रोथ हो गई। काफी सही, ये वाली बिल्कुल बात सही है आपकी, मतलब गूगलिंग एक स्किल है, अगर तुम्हें वो कीवर्ड मतलब वो चीज सर्च करना आ गया ना कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को गूगल किया कुछ ना कुछ मिल जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हें अगर लाइक नॉर्मल टेक्नोलॉजी तुम कोई भी यूज कर रहे हो उसका आंसर मिल जाता है ढूंढने पर, तो अगर ढंग से गूगल करना सीख गए तो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़े टाइम में बन जाओगे मेहनत करके। और आजकल तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको बस थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रखना होता है डेवलपमेंट और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बीच में। जैसे इंटरव्यूज के लिए आजकल सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो DSA सिस्टम डिजाइन आपको करते रहना है और आपको साइड बाय साइड डेवलपमेंट में भी अच्छा बनते रहना, तो बैलेंस की। राइट। अब जैसे आपने बताया कि सिस्टम डिजाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो सिस्टम डिजाइन में दो पार्ट होते हैं मोस्टली, लो लेवल डिजाइन हो गया आपका और हाई लेवल डिजाइन हो गया। तो लो लेवल डिजाइन आजकल कितना लाइक SD1 से ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो ज्यादातर वही है जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है या फिर अभी इन कॉलेज है, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? हाँ, सो आजकल ये बात बिल्कुल सही है कि इवन फ्रेशर्स से भी LLD पूछने लग गए हैं। एक्चुअली मैंने देखा है कि थोड़ा ना आजकल इंटरव्यूज कोडिंग प्लस LLD थोड़ा सा कंबाइन हो गया है, क्योंकि LLD का बेसिक्स ही है ऊप्स, तो अगर आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट आते हैं और अगर आपने डिजाइन पैटर्न्स के थोड़े से भी नाम सुने हैं, अगर आपको बस बेसिक्स भी समझ आते हैं ना, तो आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे आजकल फ्रेशर्स से पार्किंग लॉट, कार रेंटल सिस्टम, ये सब पूछ लिया जाता है, तो उनसे एकदम मे बी जितना 3-4 years एक्सपीरियंस जो इंसान है उससे जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना तो फ्रेशर्स ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा बेसिक एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऊप्स का समझा पा रहे हो, आपको आइडिया है कि LLD होता क्या है, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा भी आइडिया है कि डिजाइन पैटर्न्स होता क्या है, तो यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है कि जितना 4-5 साल को एक्सपीरियंसड है मतलब उतना आपको आना चाहिए, वैसा नहीं है, बट आप कोड लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि कंपनीज को ये समझ आ रहा है कि जब फ्रेशर्स आएंगे तो उनको आके कोड लिखना है, तो आप कोड कितने अच्छे से लिख पा रहे हो ये LLD बताता है,
इसलिए वो आजकल थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। एक्चुअली इसीलिए मेरे को पर्सनली रियलाइज हुआ कि थोड़ा गैप है, एलएलडी का इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने डिजाइन पैटर्न्स की सीरीज भी स्टार्ट की थी अपने चैनल पे, जहां पे मैं एकदम इजी तरीके से समझाती हूँ कि कोई फ्रेशर भी है ना, अगर वो जाके देखेगा कि ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न क्या होता है तो वो एकदम समझ पाए। और इम्पोर्टेंट यही 4-5 वीडियोज है मैंने, जैसे अपना एलएलडी का रोड मैप भी बनाया हुआ है कि बस कुछ ही डिजाइन पैटर्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप 10 मिनट निकाल के अगर वो वीडियोज देख लोगे ना तो आप इंटरव्यू में समझा पाओगे, और उतना मेरे ख्याल से काफी है। बाकी आपको कोड लिखना आना चाहिए, जो आई थिंक अगर आप डीएसए कर रहे हो तो आपको आते ही हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कीर्ति का चैनल नीचे टैग्ड हो गई, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो पूरी प्लेलिस्ट एलएलडी वाली की, एंड इन जनरल और वीडियोस में सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कीर्ति आपके पास बहुत सारे ऑफर्स थे, मतलब 5 ऑफर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और वो भी सारे लाइक एमएनसीज टॉप वाले, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ऊबर, एटलाशियन। तो आपने एटलाशियन को क्यों चूज करा? तो सबसे पहले अमेजोन का पूछते हैं कि लाइक व्हाई डिड यू नॉट चूज अमेजोन? तो अमेजोन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि वहां पे कुछ टीम्स में वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता, कुछ टीम्स में अच्छा होता है। तो वर्क तो अच्छा होता ही है, बट मैंने 3-4 टीम्स के साथ कॉन्वर्सेशन किया था, तो जिस टीम में आई वॉज श्योर कि हाँ काम बहुत अच्छा होगा, नई नई टीम है, उस टीम का मुझे कंफर्म नहीं था कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होगी कि नहीं होगी। और मैं साथ में यूट्यूब भी रन करती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ थोड़ा पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहे मेरा। और जिस टीम में मुझे लग रहा था कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस फॉर श्योर है, वहाँ पे मुझे लग रहा था कि उतना सीखने नहीं मिलेगा, उतना तो मुझे एटलेशन में भी सीखने मिल रहा है, मतलब तो मैं वो कंपेयर नहीं कर पा रही थी। और एक चीज जो मैं बोलूंगी, अगर आप फ्रेशर्स हो अभी देख रहे हो, तो जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका, जब आपको 3-4 साल के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मनी जो है वो थोड़ा सेकेंडरी प्लेस ले लेता है। तो मतलब जब आपकी सैलरी सपोज से 50-60-70 पहुंच जाती है, उसके बाद आप 4-5 लाख के लिए इतना नहीं सोचते हो, आप सोचते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस रहे, आपको सीखने मिले, आपकी टीम अच्छी रहे, और आपको कौन से टेक स्टैक पे काम करना है, आपको कौन सी कंपनी में काम करना है, मतलब आप किससे ज्यादा रिलेट कर पाते हो। तो ये फैक्टर्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये एकदम फ्रेशर्स के लिए समझना मुश्किल है। फ्रेशर्स के लिए मतलब मैं भी उस टाइम पैसे ही सोचती थी कि जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसा दे रही है वो ज्वाइन कर लो, उस वक्त तो ज्यादा सोचते ही नहीं थे। बट हाँ, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएगा, और बेटर है कि आप ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में देखो और सुनो, तो आपका भी थोड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा कि आपको क्या क्या फैक्टर्स सोचने चाहिए जब आप अपनी नेक्स्ट कंपनी के लिए सोच रहे हो। तो ग्रेट ग्रेट। अब नेक्स्ट जो थी वो हमारी गूगल थी। अब गूगल का मेरे को थोड़ा थोड़ा तो आइडिया, उसमें काफी सारे लेवल्स होते हैं, L3 होता है जो तुम्हारा स्टार्टिंग इंजीनियर, SG2 होता है, फिर L4 होता है, L5 होता है। तो आपका क्या रीजन था मतलब गूगल ना ज्वाइन करने का? तो मुझे फाइनल ऑफर था नहीं, मैंने उससे पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था, तो दे सेड कि दे विल गिव मी L3। तो मैं को ऑलरेडी ऊबर और दूसरी कंपनी से ऑफर आ रखे थे L4 के, तो आई थॉट कि गूगल L3 इज नॉट वर्थ इट। मतलब मुझे ब्रांड के लिए लग रहा था कि हाँ मैं भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, कि यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि गूगल का ब्रांड है, बट मुझे केवल ब्रांड के पीछे नहीं भागना था, मुझे टोटल देखना था, अपना पूरा ओवरऑल ग्रोथ देखनी थी, तो फिर इसलिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कीर्ति, नेक्स्ट जो कंपनी है लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट है, अब माइक्रोसॉफ्ट का क्या रीजन था वो भी बताइए दो। यार माइक्रोसॉफ्ट ना एकदम आखिरी में कॉल आया था, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि मैच नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अच्छी कंपनी से कॉम्पिटेटिव ऑफर्स थे, एंड वो लोग काफी अच्छा पे कर रहे थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही बोल दिया था कि वो इतना नहीं दे सकते, तो आई थॉट कि सही ठीक है। तो फाइनली जो कंपैरिजन बच गया था बस ऊबर और एटलाशियन में बच गया था इस हिसाब से, तो उन दोनों में फिर क्या रीजन था ऊबर ना ज्वाइन करने का? यार ऑनेस्टली मेरे को ना ऊबर ही ज्वाइन करने का मन था स्टार्टिंग से, तो वो मेरी पहली कंपनी थी, तो उन्होंने बोल दिया कि आपके पास कॉम्पिटेटिव ऑफर्स नहीं है, तो आप हम ऑलरेडी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते इससे ज्यादा। मैंने उसके बाद में बाकी कंपनी में अप्लाई किया था, अगर इनफैक्ट उल्टा होता, मे बी मैं एटलेशन में पहले करती और ऊबर में बाद में करती, तो मे बी ऊबर मेरे को ज्यादा ऑफर करता और मैं ऊबर ज्वाइन कर लेती, बट मेरे लिए ऐसा था। और मैंने ओवरऑल कंपेयर किया, मुझे एटलेशन का वर्क लाइफ बैलेंस का ज्यादा श्योरिटी थी, और काम भी अच्छा मिल रहा था, और सैलरी उन्होंने ओवरऑल मुझे ऊबर से ज्यादा दी, तो मैंने फिर सारी चीजें कंपेयर करके आई चूज एटलेशन। और मुझे ना थोड़ा एटलेशन में स्कोप भी लगता है कि ऐसी कंपनी है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है,
और बट जानना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत अच्छी कंपनी है. ऐसी इंट्रोवर्ट मैं पहले इंट्रोवर्ट में थी तो ज्यादा लोग इंट्रोवर्ट के बारे में जानते नहीं थे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं लोगों को बता सकती थी कि देखो इंट्रोवर्ट में ऐसा ऐसा होता है, ये इंट्रोवर्ट का ऑफिस है. तो मैं एटलीस्ट में वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर चल रही हूँ कि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ कि यार ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप फैन के पीछे मत ही भाग. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये भी एक छोटा सा रीजन. एटलीशन एक काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, कंपनसेशन हो गया, सब चीजें काफी अमेजिंग होती है. तो डेफिनेटली अगर तुम अभी कंसिडर कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है एटलाशन क्या, तो रिसर्च करो थोड़ा एंड जरूर अप्लाई कर देना अगर कॉलेज में आ रही है, फिर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आती है तो. इनफैक्ट मैं जब निशान से NSIT के फेस्ट में मिली थी तो तब मैं उबर और एटलेशन में कंफ्यूज थी और मैं उबर की तरफ इंक्लाइंड थी. मैंने निशान को बोला, निशान बोला ऑब्वियसली एटलेशन, और आई वाज लाइक कि रियली. फिर मैंने उसको और ज्यादा थॉट दिया था कि ये ऑब्वियस क्या था इसमें, बट फिर हाँ निशान सही था उस टाइम पे कि एटलेशन ज्वाइन करना मेरे लिए बेटर. इन जनरल भी क्योंकि मेरे दोस्त वहां पे हैं काफी सारे, तो आई नो वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है, काम काफी अच्छी है, टेक स्टैक वगैरह पे होता है, कंपनसेशन भी काफी अच्छी है. सो इन जनरल एटलेशन बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है, इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया था. उबर में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस हिट कर जाता जितना मेरे को लगता है, बिकॉज वो थोड़ा स्टार्टअप कल्चर में होता है, इसलिए आई सजेस्टेड है कि आपको यूट्यूब भी करना है एंड आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चाहिए, तो दैट वॉज द रीजन. अब फाइनल क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ सजेशन वगैरह हूँ आप जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं उनके लिए. या मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा ना पैसे के पीछे मत भागो, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैसा है अपने आप आएगा, आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो और आप थोड़ा अवेयर रहो कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है. कुछ लोग हो जाते हैं कि यार हमको ना लिंक्डइन देख के थोड़ा फोमो टाइप का होता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, तो हम लिंक्डइन नहीं खोलेंगे, बट ये सही नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि आप थोड़ा देखते रहो कि कितना एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्या है. जैसे अगर मैं ग्लासडोर और इन सब पे रिव्यूज नहीं पढ़ती पहले से कि उबर कितना पैसा देती है, तो मैं उनको बोलती नहीं कि मुझे कॉम्पिटेटिव ऑफर दो. तो आप थोड़ा सा अवेयर रहो कम्युनिटी में कि क्या क्या चल रहा है और स्किल्स पे ध्यान दो. ज्यादा पैसे के पीछे मत भागो, जस्ट बी इन टू कि मुझे सीखना है और मुझे एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. सही है सही है. सो थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर टेकिंग आवर टाइम, काफी मजा आपके साथ बात करके. एंड कीर्ति के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना. 50K जल्दी से करवा देते हैं यार, ठीक है, काफी क्लोज है 50K के. थैंक यू सो मच निशांत. एक्चुअली निशांत की जर्नी से मैं काफी इंस्पायर हुई हूँ, इसने मेरे को यूट्यूब पे भी काफी इंस्पायर किया है, काफी कंसिस्टेंट बंदा रहता है. मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाने के उसमें हूँ, हम लोगों का कॉन्टेंट थोड़ा अलग टाइप का है, बट फिर भी निशांत काफी इंस्पायरिंग रहा है मेरे लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. फाइनली हमने एक साथ में वीडियो कर लिया तो काफी अच्छा लगा आपके चैनल पे आके. थैंक यू. ऑल्सो दूसरा चैनल स्टार्ट करा है, ठीक है, उसको पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है. एंड ऑलमोस्ट 10K हो गए हैं, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो 10K 15K शायद क्रॉस भी हो जाए. सो जाके सब्सक्राइब कर लेना अब तक नहीं किया है तो. इतना ही आज वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.